नमस्कार। इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि अगर हमें कोई डाउट है और हमें डाइक्टोस्टेट्स से कुछ हमें क्लेरिफिकेशन लेना है या कोई हमारे डाउट्स क्लियर करने हैं, तो सामने दी हुई स्क्रीन पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक है डू यू हैव ए क्वेरी, और अगर आप आस्क बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप अपना क्लेरिफिकेशन पूछ सकते हैं, जैसे कि किस टाइप के रिगार्डिंग आपको क्वेरी पूछनी है। तो जैसे कि हमने चूज़ किया 5A, अब किस कैटेगरी में आपको चाहिए, अलॉटमेंट से रिलेटेड आपको पूछना है या नो डिमांड सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, या आपकी कोई रेंट से रिलेटेड क्वेरी है या वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड क्वेरी है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं वेटिंग लिस्ट से। अब हमें अपना क्वेरी ये पूछ रहा है कि कैसे, मतलब क्या पूछना चाहते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि व्हेन विल बी बिडिंग स्टार्ट फॉर द करंट मंथ। अब उसको हम सबमिट कर देंगे। तो ये डाइक्टोस्टेट्स का जो कंसर्न 5A का सेक्शन है, उस सेक्शन के पास ये क्वेरी आपकी पुटअप हो जाएगी। वो सेक्शन अपने लॉगिन में ये देख सकता है कि 5A से रिलेटेड, वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड किसने क्या क्वेरी पूछी है। इसका आंसर देखने के लिए अगर वो आंसर दे देते हैं डाइक्टोस्टेट्स, तो आप यहाँ पे रिप्लाई फ्रॉम DOE एक लिंक है, यहाँ से आप अपने क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हैं कि अगर उन्होंने दिया है तो यहाँ पे वो लिस्टेड आउट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने पूछा था और ये क्वेश्चन डाइक्टोस्टेट्स ने आंसर दिया है। तो इस तरीके से आपको डाइक्टोस्टेट्स में विजिट ना करते हुए आप ऑनलाइन ही अपनी क्वेरी यहाँ रख सकते हैं और अपने आंसर्स और क्वालिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं। अब और हम आगे बढ़ें कि एप्लीकेशंस में, जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर टाइप में रहते हैं और हमें उस पर्टिकुलर टाइप में चेंज के लिए अप्लाई करना है, तो हमें पता नहीं होता है कि हमें चेंज के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म भरना है। तो एप्लीकेशंस में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है अप्लाई फॉर चेंज अलॉटमेंट फॉर्म फॉर ऑक्यूपाइड हाउस टाइप, कि जिस हाउस टाइप में आप रह रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप चेंज अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। यहाँ पर आपको उस हाउस का अलॉटमेंट ID ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा, अलॉटमेंट ID प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास अलॉटमेंट ID होना चाहिए। तो अगर आप अपना अलॉटमेंट लेटर चेक करेंगे तो अलॉटमेंट लेटर पे लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर अलॉटमेंट ID लिखी हुई होगी। अलॉटमेंट ID आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं, अपने पर्सनल इन्फो में जाइए अलॉटमेंट कार्ड में। अलॉटमेंट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिससे आप के रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड उसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। अलॉटमेंट कार्ड में आज तक आपने जितने फॉर्म भरे हैं, जितना एप्लीकेशंस आपके पास है, वो सब आपको यहाँ प्रोवाइड कराएगा कि कितने आपको अलॉटमेंट हुए हैं, कितने आपने D2 फॉर्म भरे हैं और कितने अलॉटमेंट्स आपको मिले हैं, कितने ऑक्यूपेशन हिस्ट्री आपने ली है। तो सारी चीज़ें आपको ये यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। अब जैसे कि ये अलॉटमेंट ID, तो ये अलॉटमेंट ID होती है जिसके लिए आपको क्वार्टर के लिए चेंज के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता है, अगर ज़रूरत है तो। यहाँ पे अलॉटमेंट ID डालिए, शो कीजिए, आपकी डिटेल्स आएगी और उसको सेव कर दीजिए। तो ये हो गया चेंज अप्लाई करने का तरीका कि कैसे हम चेंज अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे एक्सेप्टेंस फॉर्म्स हैं। एक्सेप्टेंस फॉर्म तब भरा जाता है जब आपको कोई क्वार्टर बिडिंग के बाद अलॉट हो गया है और आप उसको एक्सेप्ट करने के इच्छुक हैं। तो एक्सेप्ट करने के अगर आप इच्छुक हैं तो आपको अपना एक्सेप्टेंस देना होता है, वो भी एक ऑनलाइन एक्सेप्टेंस फॉर्म के तहत देना होता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था कि D2 फॉर्म भरते हैं हम, तो D2 फॉर्म भरते हैं हम वेटिंग लिस्ट में कंसिडर होने के लिए। एक्सेप्टेंस फॉर्म भरते हैं हम, हमें जो क्वार्टर अलॉट हो गया है उसका एक्सेप्टेंस देने के लिए। तो एक्सेप्टेंस फॉर्म टाइप 1-8 का एक एक्सेप्टेंस फॉर्म है, और अगर हमें गैरेज कभी मिला है या गैरेज कोई मिला है तो उसके लिए गैरेज का एक्सेप्टेंस फॉर्म है। तो सेम जिस तरीके से हमने D2 फॉर्म फिल किया था, उसी तरीके से हम एक्सेप्टेंस फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। फिर अगर हमें शादी के पर्पज़ के लिए या किसी सोशल पर्पज़ के लिए, कोई हमारे पड़ोसी में जो मकान खाली है, पड़ोस का मकान खाली है, या कोई हमारी सोसाइटी में कोई मकान खाली है, वो अगर हम किसी पर्टिकुलर 2-4 दिन या मैक्सिमम 7 डेज के लिए मिलता है, तो उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलॉटमेंट रिक्वेस्ट फॉर मैरिज पर्पज़ है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम
ट्रेन ट्रांसफ़र हमारा हो गया है तो हमें अपने डायरेक्टर स्टेट से के क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है कि आपका ऑफिस डिमांड करता है कि आपका कोई ड्यूज़ तो बकाया नहीं है, तो उसके लिए हमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए यहाँ से अप्लाई करना है। या फिर अगर हम रिटायर हो गए हैं तो हमें नो डिमांड सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है पेंशन पेपर्स को प्रोसेस कराने के लिए, तो उसके लिए भी हम नो डिमांड सर्टिफिकेट के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने D2 फॉर्म फिल किया था वैसा ही हम नो डिमांड सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और भी एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे रिटेंशन फॉर्म है, कभी आपका ट्रांसफ़र अपनी पोस्टिंग स्टेशन से कोई नॉर्थ ईस्ट या JNK या कोई अदर नॉन फैमिली स्टेशन पर पोस्टिंग हो जाती है, या फिर कहीं पे इनएलिजिबल जोन में पोस्टिंग हो जाती है तो रिटेंशन फॉर्म भरा जाता है, या फिर किसी एप्लीकेंट की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है तो उनके फैमिली को अगर क्वार्टर रिटेन करना है तो रिटेंशन फॉर्म फिल किया जाता है। और अगर आप कहीं पे रिटेंशन के लिए गए हैं और आपने रिटेंशन फॉर्म फिल करके रिटेंशन की फैसिलिटी अवेल कर ली है और आप वापस अपनी पोस्टिंग स्टेशन पे वापस आ गए हैं तो आपको रेगुलेशन फॉर्म भरना होता है, वो रेगुलेशन फॉर्म रीपोस्टिंग का होता है। अगर आपका कहीं पे ट्रांसफ़र हुआ है और आपकी वाइफ करंट स्टेशन पे पोस्टिंग पे हैं, या फिर आपके जो बेटा है बेटी है या कोई भी आपका करंट स्टेशन पे पोस्टिंग है तो वो उन क्वार्टर उनके नाम रेगुलाइज हो सकता है, तो उसके लिए रेगुलेशन फॉर्म ऑन ट्रांसफ़र ग्राउंड भरा जाता है। या फिर आप रिटायर हो गए हैं, आपके बेटे की जॉब लग गई है, या बेटा आपके सेम पे लेवल पे है या सेम पे स्केल पे है या थोड़ा नीचे है या ऊपर है, तो उसके केस में रेगुलेशन फॉर्म भरा जाता है डेथ और रिटायरमेंट पे, कि रिटायरमेंट पे भी आप सेम फॉर्म भर सकते हो और डेथ ग्राउंड पे भी। अपने फैमिली मेम्बर की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए भी एक फॉर्म है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आपको एक प्रक्रिया के दौरान जनरलपुर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में जब आप रहते हैं तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या फॉर्म्स आपके लिए अवेलेबल हैं, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो के दौरान हमें ये पता चला कि हमें कैसे अपना क्लैरिफिकेशन डायरेक्टर स्टेट से लेना है ताकि हमारा भी टाइम बच सके और उनका भी टाइम बच सके, मिनिमम पब्लिक डीलिंग हो सके और आपको घर बैठे ही या ऑफिस में बैठे ही आपको अपनी सारी क्वेरीज का आंसर मिल जाए। धन्यवाद।